हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था केमिस्ट्री 12th का सिलेबस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एज अ फ्रेश चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। यूनिट 2 सॉल्यूशन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज है 7 मार्क्स। स्टार्ट हम करेंगे बेसिक से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, नेचर कैसा होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन होने के लिए दो क्राइटेरिया हैं, मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस एंड कंपोनेंट शुड बी नॉन रिएक्टिंग। कंपोनेंट मल्टीपल हो सकते हैं, बट इफ अ सॉल्यूशन कंटेन ओनली टू कंपोनेंट, इट इज देन कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बाइनरी सॉल्यूशन पे ही होते हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन से होंगे। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी जनरली। एंड सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, वाटर इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। And sugar is present in lesser quantity, it is called solute. Sugar के place पे आप glucose, like glucon D water में add कर सकते हो, NaCl। क्या सभी solution में water ही solvent है? The answer is no. Water के अलावा कुछ solution में alcohol भी as a solvent behave कर सकता है। Alcohol plus water, Zn plus copper, alloy are also homogeneous mixture और उनको भी आप solution मान सकते हो। palladium metal plus hydrogen gas, ये compulsory नहीं है कि सभी solution में water ही solvent होगा, but if water is present as solvent the solution is called aqueous solution। इसे आप shortcut में AQSOL लिख सकते हो। Those solution in which water is present as solvent are called aqueous solution. For example, water plus sugar or salt or glucose is aqueous solution. Water plus alcohol is aqueous solution. And most important example is all acidic solution are aqueous solution. Acidic solution कितने type के होंगे? Acidic solution are of two types, dilute acid and concentrated acid. Dilute acid में water की quantity होगी higher water
प्लस लेसर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हायर एसिड प्लस लेसर वाटर. फॉर एग्जांपल डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट HCl. कॉन्सेंट्रेटेड के एग्जांपल हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 68% बाई मास, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 98% बाई मास. 68% बाई मास की मीनिंग है इन अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम 68 ग्राम HNO3 इज डिसॉल्व इन 32 ग्राम ऑफ वाटर. सिमिलरली द मीनिंग ऑफ 98% H2SO4 इज 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व इन ओनली 2 ग्राम ऑफ वाटर. अकॉर्डिंग टू मेन डिफिनेशन जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी हायर होगी उसे आप क्या बोलते हो सॉल्वेंट. बट इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हायर अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट. फिर भी हम एसिड को सॉल्यूट और वाटर को सॉल्वेंट ले रहे हैं. इसका रीज़न क्या है कि जब भी लैब में एसिडिक सॉल्यूशन बनाया जाएगा ऑलवेज एसिड्स गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड द प्रोसेस कैन नॉट बी कन्वर्स्ड. हाईली एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन के कारण वो स्प्लैश आउट हो सकता है. कंटेनर में आप पहले वाटर लोगे उसमें एसिड ऐड करेंगे ड्रॉप ड्रॉप. यदि प्रोसेस हमने ये राइट वे है इसको अपोजिट ले लिया एसिड इन कंटेनर एंड देन वाटर इज एडेड टू इट तो ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन ये स्प्लैश आउट होगा एक्सीडेंट में अकर. तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑलवेज एसिड्स एक्ट एज सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इन ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस. इन एसिडिक सॉल्यूशन whether they are dilute or concentrated acids get dissolved into water and process cannot be conversed and hence water always act as a solvent in it. Acidic solution में acid की quantity higher हो या lesser हो acid is considered as solute and water क्या होगा solvent. Next, solution word sounds like a liquid. हमें ऐसा feel होता है कि solution एक liquid phase में exist करने वाला ही substance है but actually solution के तीनों phases हो सकते हैं. And the phase of solution depends on the phase of solvent only. The phase of solution depends on the phase of solvent only and not on the phase of सॉल्यूट. लाइक इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें वाटर है सॉल्वेंट. वाटर इज सॉल्वेंट. वाटर की फेज क्या है लिक्विड फेज. इसमें हमने ऐड किया शुगर सॉलिड सॉल्यूट. अब जो एंड रिजल्ट आएगा वो लिक्विड फेज में होगा. दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एज वाटर सॉल्वेंट इज अ लिक्विड. सेकेंडली पैलेडियम मेटल इज अ सॉलिड. डाइहाइड्रोजन इज अ गैस. इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है ये सिंस इट्स सॉल्वेंट पैलेडियम इज अ सॉलिड. थर्ड एयर इज गैस. Moisture is liquid and the solution thus formed is a gaseous solution. तो इसका concept क्या है कि if solvent is a solid, solution is also solid. If solvent is solid, solution is also solid.
इफ सॉल्वेंट इज अ गैस सॉल्यूशन इज आल्सो गैस, इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड सॉल्यूशन इज आल्सो लिक्विड, राइट। इस बेसिस पे हम सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।